हाल ही में एक इंटरव्यू में क्रिस लिन ने कहा कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एशेज से बड़ी है, और ये सिर्फ क्रिस लिन का भी मानना नहीं है बल्कि और भी बड़े खिलाड़ियों का ये मानना है। पर आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ गई और आज लोग एशेज से ज्यादा BGT देखना पसंद करते। जहां पहले के समय में एशेज में जबरदस्त टक्कर और रोमांच देखने को मिलता था, जो आज भी देखने को मिलता है, पर इन सब में सबसे बड़ा बदलाव आया 2015 BGT ट्रॉफी में। MS धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया और विराट कोहली को कप्तान बनाया गया। पहले तो भारत ऑस्ट्रेलिया सिर्फ हारने के लिए जाती थी। 2011 में भी भारत ऑस्ट्रेलिया के सामने 4-0 से हार गया था, पर 2015 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को तगड़ी टक्कर दी, जहां कप्तान विराट कोहली का बल्ला आग उगल रहा था। विराट कोहली ने इस सीरीज में जबरदस्त कप्तानी की थी, ताबड़तोड़ बैटिंग की थी और एक अलग एटीट्यूड दिखाया था। जहां इस सीरीज में भारत पहले मैच में सिर्फ 48 रनों से हारा था और दूसरा टेस्ट मैच भी ऑस्ट्रेलिया मुश्किल से 4 विकेट से जीता था और बाकी 2 टेस्ट ड्रॉ रहे थे। भारत भले ही ये सीरीज हारा था, पर ऑस्ट्रेलिया को भारत ने तगड़ी टक्कर दी थी, खासकर विराट कोहली ने। कप्तानी मिलने के बाद लाजवाब बल्लेबाजी की थी और 692 रन बनाए थे, पर 2018 और 2019 में भारत जब ऑस्ट्रेलिया गई तब भारत ने 4 टेस्ट मैच की सीरीज 2-1 से जीती थी। भारत ने 71 सालों के बाद ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती थी। आप समझ सकते हैं कि कितना लंबा इंतजार भारत ने किया था। इस सीरीज में भारत के लिए चेतेश्वर पुजारा ने 521 रन और जसप्रीत बुमराह ने 21 विकेट लिए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का कहना था कि हमारे टीम में बड़े खिलाड़ी नहीं थे। जैसा कि आप जानते हैं कि डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ पर बैन लगा था, एक खिलाड़ी न होने की वजह से भारत ये सीरीज जीता है, ऐसा लोगों का मानना था। हैरानी की बात तो ये थी कि भारत के लोगों का भी यही मानना था, पर साल 2020-21 में फिर भारत और ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर आमने सामने थे और अब ऑस्ट्रेलिया के पास कोई बहाना नहीं था। पहले टेस्ट मैच में डे नाइट मुकाबले में भारत ने 62 रन की लीड ली थी और लग रहा था कि भारत ये मुकाबला जीत जाएगा, लेकिन फिर आता है वो भारतीय टेस्ट क्रिकेट का सबसे काला दिन, जहां भारत सिर्फ 36 रन पर ऑल आउट हो जाती है। उस समय दुनिया भर ने भारत का मजाक बनाया, और जब भारत को सबसे ज्यादा विराट कोहली की जरूरत थी तब बाकी टेस्ट मैचों में विराट कोहली नहीं थे। अब दूसरे टेस्ट मैच में रहाणे कप्तानी करने वाले थे और भारत को जैसे प्यासे को पानी की जरूरत होती है, वैसे जीत की जरूरत थी। इस मैच में गिल और सिराज ने डेब्यू किया था। रहाणे ने इस मैच में कप्तानी पारी खेली थी और भारत ने आसानी से 8 विकेट से ये मैच जीता था। तीसरा टेस्ट मैच भी भारत जीत सकता था, पर एक तरफ पुजारा और अश्विन अपने शरीर पर गेंदे खा रहे थे और ऋषभ पंत भी चोटिल होने के बाद भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके ऑस्ट्रेलिया को डरा रहे थे, और उधर अंडररेटेड हीरो हनुमा विहारी भी चल भी नहीं पा रहे थे, फिर भी अश्विन के साथ एक छोर संभाले हुए थे और जीत ना सही पर हार भी ना सही और ये मैच ड्रॉ कराते हैं। लेकिन हद तो आखिरी टेस्ट मैच में हो जाती है, जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलिया 32 सालों से गाबा में हारी नहीं थी और यहां भारत के पास पूरे 11 खिलाड़ी खिलाने को भी नहीं थे। भारत ने जैसे तैसे प्लेइंग 11 बनाई थी, उसमें भी नवदीप सैनी इंजर्ड हो जाते, पर भारत के ये खिलाड़ी डरने वालों में से नहीं थे, डराने वालों में से थे। इसीलिए तो जब ऑस्ट्रेलिया ने 329 रन का टारगेट दिया तो सबका कहना था कि भारत को मैच ड्रॉ कराना चाहिए, पर इन खिलाड़ियों में तो जीत की भूख थी। भारत ने तेजी से रन बनाते हुए ये रन चेस किया था, मेरे पास तो कहने के लिए शब्द भी नहीं है, पर इस सीरीज ने पूरे क्रिकेट जगत को बदल के रख दिया था। ये वो सीरीज थी जिसने दिखाया कि आपके पास क्या नहीं है वो मत सोचिए, आपके पास क्या है वो सोचिए। टूटा है गाबा का घमंड, जीत गई है मुकाबला भारत और 2-1 से श्रृंखला भी जीत ली है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जाएगी गावस्कर के देश। खूबियां भी मुझ में, खामियां भी मुझ में, ढूंढने वाले तू सोच चाहिए क्या मुझ में।
और ऐसा कभी नहीं देखा गया था। ये वो सीरीज थी 36 पे ऑल आउट से लेकर बड़े खिलाड़ी न होते हुए भी ऑस्ट्रेलिया को उनके घर पर हराना वो सिर्फ भारत ही कर सकता था। जो दुनिया मजाक उड़ा रही थी वो भारत की दीवानी हो गई थी, और इस कारण से अब ऐसे से ज्यादा लोग बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का इंतजार करते हैं।